आरक्षण को लेकर तेजस्वी यादव ने घटना किया है, जिसमें कहा है कि जितने भी बड़े समाजवाद के नेता हैं उन्होंने हमेशा जातीय जनगणना की बात की है, लेकिन अगर एनडीए वाले लोग इतने हिमायती हैं तो 9वीं अनुसूची में इसको क्यों नहीं दाखिल कर सकते। हमारा प्रश्न है कि उनके माता पिताजी 15 साल बिहार के शासन में रहे, उस समय कहाँ भूल गए थे लोग, या जब अपने वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे कहे कि हम इतना टीचर बहाल कर दिया, फलना कर दिया, उस समय ये कहाँ चले गए थे, भुला गए थे, और आज जब सत्ता से बाहर हैं तो सब याद आ रही है उनको। चलिए चिराग ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है, जिसमें तेजस्वी यादव में लग जाएगा पीछे कौन है, हर कोई एमएलए एमपी बनना चाहता है, इसीलिए हो सके वो भी दूसरा रास्ता तलाश कर रहे हैं। अब इसके बारे में हमको पता नहीं है, अपना उनका व्यक्तिगत मामला है, और हम जानते हैं कि केसी त्यागी अच्छे आदमी हैं, अगर उन्होंने कुछ किया है तो इसके बारे में पता चलाएंगे, बात करेंगे, या हमारा नेतृत्व भी उनसे बात कर सकेंगे, लेकिन उनका अंदरूनी मामला है, जिस कारण से उन्होंने किया होगा तो अंदरूनी मामला में हमारा हस्तक्षेप और पर बातचीत करने का क्या जरूरत है। चिराग पासवान भी सवाल खड़े कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, मान लीजिए लगातार चिराग पासवान अगर खड़ा कर रहे हैं तो गलत है, हम लोग आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि जो तालाब की मछलियाँ अन्य मछलियों को खा करके अपना मोटा जाती है और बाकी मछलियाँ समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से 18 जाति बिहार में है, उसका कोई कहीं अता पता नहीं है, नौकरी में, रिप्रेजेंटेशन में, एमएलए में, एमपी में, और 4 जो हमारे समाज के लोग हैं वही सब कुछ हड़प के रखे हुए हैं, 76 साल में यही स्थिति आ गई है, तो क्या यही चाहते हैं, यही न्याय है, बड़ा भाई सब मेहमानी करके खा जाए, छोटा भाई को छोड़ दे, तो हम बंटवारा चाह रहे हैं कि भाई बड़ा भाई है तुम हमारा गोटिया बनो, तुम हमको हमारा सारा हिस्सा खा रहे हो, तुम छोड़ दो, हम भी आगे कुछ करेंगे, हम 18 आदमी हैं, 18 भाई हैं, अपना बाँट चुट के खाएँगे।